हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिजी वाइफ वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं लजीज और इजी वे में परवल कोरमा। तो लेट्स स्टार्ट। परवल कोरमा बनाने के लिए आपको पहले पोस्तो और काजू उसम पानी में भिगो के रखिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग परवल को अच्छे से धो धा के उसको अच्छे से स्लाइड से हम कट करेंगे ताकि उसमें अच्छे से वो उबल जाए और उसमें अच्छे से मसाले भून जाए। अभी हम परवल धो धा के रखे हैं। अभी हम कढ़ाई पे तेल गरम करके उसमें परवल डाल के उसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक वो गोल्डन कलर ना हो जाए। हम जो भिगा के रखे थे अब उसको हम ग्राइंड करके उसको पेस्ट बना के रखेंगे। और अभी हम जो सौते करके रखे अभी देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है, तब आपको पता चलेगा हल्का हल्का वो बनने लगा है। अभी हम उसमें हम हल्दी डालेंगे, फिर उसको सौते करेंगे। अभी साइड में आप गार्लिक पेस्ट डालिए, डाल के उसको अच्छे से धीरे धीरे सौते कीजिए। सौते एक मिनट के बाद आप उसको उसके साथ परवल के साथ उसको मिलाइए। परवल के साथ अच्छे से मिलाने के बाद उसका आप कलर चेंज होते ही नमक डालिए स्वाद अनुसार। उसके बाद उसको फिर से सौते कीजिए। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से सौते करेंगे। अब उसमें हम ओनियन पाउडर डालेंगे, ये बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, आप ग्रोसरी में चेक कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद आप उसको अच्छे से भूनिए ताकि उसका जो फ्लेवर है वो परवल के अंदर घुस जाए। अब हम इसमें काजू और पोस्तो का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से सौते करेंगे तक जब तक उसका तेल साइड से छूटे। अब हल्का हल्का उबाल आ रहे हैं, अब हम उसको ढकेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसमें जो मसाले हमारे लेफ्ट हो गए थे उसमें हम उस पानी डाल के मिला के अच्छे से पानी डालेंगे ताकि उसका लिक्विडिटी रहेगा, ग्रेवी हमें मिलेगा। अब आप इसमें लीड लगा के उसको कुक होने दीजिए 10 मिनट के लिए। और अब आप देख सकते हैं उबलने स्टार्ट हो गया है। अब इसमें कस्तूरी मेथी डाल के उसको अच्छे से सौते कीजिए। सौते करने के बाद अब इसमें आप होममेड गरम मसाला, मैं आपको जल्दी इसका रेसिपी देने वाली हूँ। ये मसाला मैं हर करी में डालती हूँ और इसका स्मेल और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहता है। तो उसको अच्छे से सौते कीजिए। सौते करने के बाद अभी आपको फिर से ढक्कन देकर लीड देकर उसको फिर से और 5 मिनट के लिए रखना है। अब आप लीड खोल के देखिए, देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है और स्मेल बहुत ही अच्छा है इसका और टेस्ट में तो लाजवाब। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। और अभी हम आते हैं, अभी हमको चेक करना है कि परवल बन उबले हैं या नहीं, क्योंकि परवल को थोड़ा सा टाइम लगता है उबलने के लिए। तो आप उसको अच्छे से सौते करने के बाद फिर से चेक कीजिए कि परवल दब रहा है या नहीं। अगर दब जाए तो परवल बन चुका है। अब हमारा परवल कोरमा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप इसको स्टीम राइस, पराठा और रोटी के साथ खा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी, न्यू एक्साइटिंग एडवेंचर। बाय।